आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुए भगदड़ में चौरी चौरा क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी 30 वर्षीय डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह की हुई मौत। उनकी पत्नी को भी लगी हल्की चोट। एक माह पूर्व ही हुई थी शादी। उनके साथ गए 5 लोग हैं सुरक्षित। प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारियां, कोविड के संभावित तीसरी लहर सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लग्जरी कार से लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्तों को गुलरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, 4100 रुपए नकद सहित कार किया बरामद। SP नार्थ ने किया खुलासा। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, तहसील दिवस में आए 115 मामले, 12 का मौके पर ही किया गया निस्तारण। बचे मामलों के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर निस्तारण के दिए गए हैं निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त पदभार किया ग्रहण। IRSME के अधिकारी हैं अनुपम शर्मा। नए साल के अवसर पर पैडलेगंज से नौका विहार तक लोगों की उमड़ी भारी भीड़। ट्रैफिक पुलिस रही मुस्तैद। SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने आम जन से की अपील, कहा, ट्रैफिक पुलिस का करें सहयोग, चिन्हित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें अपने वाहन। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 227 केंद्रों पर 10,758 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,495 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 6,263 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। नए साल पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना का किया गया आयोजन, कहा, देश और देशवासियों को महामारी और संकट से बचाएं प्रभु ईसा मसीह। नए वर्ष पर गोलघर स्थित काली मंदिर पर नागरिकों ने पहुंचकर की मां काली की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना। स्ट्रीट लाइट, रोड चौड़ीकरण आदि विकास कार्यों को देखते हुए लोग नए साल में दिखे उत्साहित, कहा, हमें गर्व है, हम हैं गोरखपुरवासी। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन। कार्यक्रम में लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े रहे कैबिनेट मंत्री, दी सभी लोगों को नए साल की शुभकामना। और नए वर्ष के अवसर पर नौकायान पर हजारों की संख्या में नागरिकों की उमड़ी भारी भीड़। गदगद दिखे युवा, कहा, 2022 क्या 2027 में भी बनेगी योगी सरकार।